स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के बारे में है। उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, किसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा मानते हैं कि एक क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, और वो किसी वेक्टर फील्ड के अंदर है। तो उस फील्ड के अंदर में से पर यूनिट वॉल्यूम कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना है ना वेक्टर फ्लक्स निकल रहा है, जो है ना जो उस वॉल्यूम एलिमेंट यानी आयतन अल्पांश के अंदर है, उसे जो है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड यानी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहा जाता है। इसे थोड़ा शब्दों में देख लेंगे, दोनों शब्दों में लिखा गया है इंग्लिश और हिंदी में। द वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इमर्जिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस ऑफ ए वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट में छोटा सा जो क्लोज सरफेस है उसका छोटा सा है ना वॉल्यूम है, उसको वॉल्यूम एलिमेंट कहा जाता है। तो उस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना जो फ्लक्स है वो बाहर निकल रहा है, इमर्जिंग आउट मीन्स बाहर निकल रहा है, सिचुएटेड इन ए वेक्टर फील्ड। जो वो क्लोज सरफेस है किसी वेक्टर फील्ड के अंदर है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड कहा जाता है। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन है ना सदिश अभिवाह या फ्लक्स, है ना सदिश अभिवाह क्या है या फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, जो फ्लक्स है उसको हम फाई से बताते हैं। फाई इज इक्वल टू, ये बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के लिए इस प्रकार का साइन होता है इंटीग्रेशन, और सरफेस है एस, है ना ए डॉट डी ए। ए इसमें क्या है, जो क्लोज सरफेस है उसका एरिया है, उसके साथ डॉट किया गया है। डी ए है जो वॉल्यूम एलिमेंट है, आयतन अल्पांश है, वो डी ए है। तो ए डॉट डी ए है ना, तो वो क्या है क्लोज सरफेस है ऐसे है, तो उसका जो उसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है फाई, तो वो हमें कहते हैं उसे हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, इस प्रकार से उसको कहा जाता है। तो इसे अगर इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, ये तो एरिया है, इसको इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है किसके बराबर होता है, लिमिट जो अल्पांश की है ना स्थिति है, अल्पांश की पोजीशन है डाइवर्जेंस की, डीवी टेंस टू जीरो, मतलब बहुत छोटा है जो आयतन अल्पांश है उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही स्मॉल है, छोटा है। तो तब क्या होगा, ए डॉट डी ए वन अपॉन डी वी है ना, क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस एस ए डॉट डी ए, तो वो क्या कहा जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए उसको कहेंगे। तो ये जो क्लोज सरफेस यहाँ पर है वो बंद पृष्ठ पर समाकलन को बताता है, यानी इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस बताता है। तो उसको इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं। तो ये फ्लक्स हो गया और डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो दिस इज नथिंग बट द क्या है, ये क्या है फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है जो आयतन अल्पांश है वॉल्यूम है ना स्मॉल एलिमेंट है, उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, और वो जो स्मॉल एलिमेंट है वो बहुत ही स्मॉल है, इट इज़ नील टेंस टू ज़ीरो, उसे क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड उसे कहा जाता है। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए है यानी वेक्टर फील्ड ए हम ऐसा मान लेते हैं, तो लिमिट डी वी टेंस टू ज़ीरो यानी बहुत स्मॉल है, तो वन अपॉन डी वी, और ये क्या है फ्लक्स, फ्लक्स डिवाइड बाय डी वी स्मॉल एलिमेंट, सो इट इज़ कॉल्ड द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सो इसमें इसको और अच्छे से समझने के लिए, जो हम इंग्लिश के भौतिक का अर्थ समझने के लिए, जो डाइवर्जेंस है वेक्टर फील्ड का, उसके लिए हम मान लेते हैं कि एक फ्लूइड है यानी एक तल पर क्या है ना द्रव है, उसका उसके हम विचार करते हैं, उसका हम उसके बारे में सोचते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट का जो फ्लूइड है यानी द्रव है वो बह रहा है, फ्लो कर रहा है पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना एक
छोटे से आयतन अल्पांश यानी वॉल्यूम एलिमेंट से है ना, जो पी के अराउंड ड्रॉ किया गया। तो ये एक बिंदु है पी, पॉइंट पी है, इसके अराउंड इसके आसपास एक छोटा सा है ना, कितना मतलब फ्लूड यानी जो द्रव है वो फ्लो हो रहा है पर सेकंड, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम डाइवर्जेंस ऑफ वी कहते हैं। अच्छा, डाइवर्जेंस है किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए, सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। तो कब जो डाइवर्जेंस है वेक्टर फील्ड का यानी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है वो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा है ना, ऋणात्मक होगा या कब शून्य होगा, वो हम समझते हैं। तो सपोज़ एक बिंदु है पॉइंट पी है, तो इसमें अगर चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज इसमें यहाँ पर है, तो प्लस क्यू चार्ज में से यानी पॉजिटिव चार्ज है ठीक है इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इससे बाहर की तरफ होंगी। अगर इस पॉइंट बिंदु पी पे चार्ज क्या है, धनात्मक है पॉजिटिव है, तो जो मान लो ये फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है ठीक है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें से क्या होंगी लाइंस जो होंगी वो बाहर की तरफ, जो फ्लक्स होगा उसका वो किसकी तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो डाइवर्जेंस होगा, ये भी देखो डाइवर्जेंस है, क्लोज सरफेस है, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ है, तो उसमें इस केस में क्या होगा, जो डाइवर्जेंस ऑफ ए निकलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ए इसमें ई है तो डाइवर्जेंस ऑफ ई हम कह सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो क्या है, धनात्मक है। तो है ना, अगर बंद पृष्ठ से बाहर की तरफ फ्लूइड बोल सकते हैं, या यहाँ पर फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में डाइवर्जेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा है ना। इसी प्रकार से बिंदु पे, बिंदु पी पे अगर ऋणात्मक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका बंद पृष्ठ है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगी वो क्या करेंगी, ये जो बंद पृष्ठ है इसके वॉल्यूम के अंदर जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी है ना, अंदर की तरफ होंगी। तो इस केस में जो डाइवर्जेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन एक तीसरा भी केस है, अगर जो एनक्लोज्ड वॉल्यूम है ना, जो बंद पृष्ठ है, उसमें अगर जो सोर्स है वो क्या होगा, ए सोर्स नॉट ए सिंक ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड द इनक्लोज, मतलब ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर जो सोर्स है उसके अंदर जो फ्लूइड है, द्रव है, कुछ भी कह सकते हो, वो सिंक नहीं कर रहा है, मतलब उसमें से ना मतलब दोनों उपस्थित नहीं है, परिबद्ध आयतन में जो स्रोत या सिंक है दोनों ही उपस्थित नहीं है। तो आयतन अल्पांश में जितना द्रव निर्गत होता है उतना ही द्रव क्या होता है, आगत होता है, मतलब जितना ही बाहर निकलेगा और उतना ही क्या होगा, अंदर, मतलब इसके अंदर कोई भी प्रकार का सोर्स नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ नेगेटिव था और यहाँ पॉजिटिव था, तो इसके अंदर, ये बंद पृष्ठ के अंदर, क्लोज सर्फेस के अंदर कोई भी प्रकार का सोर्स नहीं है, तो उससे क्या होगा, जितनी ही मात्रा में जो लाइंस है, फ्लक्स है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, बी दे रखा है, सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की भी हम बात कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जितना ही फ्लूड बाहर फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही अंदर होगा, यानी जो डाइवर्जेंस होगा वेक्टर फील्ड का वो क्या होगा, जीरो होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो। और वो जो वेक्टर होगा है ना, जो सदिश होगा, क्षेत्र होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइडल यानी परिनालिकीय सदिश उसे कहा जाएगा। तो परिनालिकीय सदिश क्या होता है, सच अ वेक्टर फील्ड हैविंग देयर डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो आर टर्म्ड एज सोलेनोइडल फील्ड। तो मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डायवर्जेंस शून्य के बराबर होता है उन्हें परिनालिकीय सदिश कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये भी क्या होता है, एक
सोलेनोइडल वेक्टर ही होता है. तो लाइंस ऑफ फोर सच वेक्टर फील्ड्स ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज कर्व, एक क्लोज कर्व की तरह ये जो है फील्ड यानी वक्र बनाती है. तो उसको हम इस प्रकार से चित्र के द्वारा उसको हम दिखा सकते हैं. तो ये था डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के बारे में, उसका भौतिक अर्थ क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड किसे कहते हैं, है ना, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस किसे कहा जाता है, बंद पृष्ठ के अंदर अगर है ना चार्ज घनात्मक होता है, अगर कोई घनात्मक चार्ज है तो है ना बाहर की तरफ जो फ्लक्स है वो निकलता है, तो उसमें डाइवर्जेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, उसकी जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, अगर ऋणात्मक है तो नेगेटिव होती है, लेकिन अगर कोई भी सोर्स नहीं है तो उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस बाहर जाती हैं उतनी ही अंदर आती हैं, मतलब एक क्लोज कर्व जैसा बनाती हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, उस समय जो डाइवर्जेंस होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है. तो उस ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाता है, सोलेनोइडल वेक्टर या परिनालिकीय सदिश इसे कहते हैं. अब इसे भी जैसे हमने इससे पहले वाली क्लास में ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड हमने पढ़ा था, है ना, उसका भौतिक अर्थ समझा था और उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशन में किस प्रकार से उसको बताया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमने देखा था. वैसे ही हम इसको देखेंगे कि कार्तीय निर्देश तंत्र में जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे. तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो ये है यहाँ पर नहीं लिखा गया है, एक्स वाई और जेड, इसको हम एक्स अक्ष मान लेते हैं, एक्स अक्ष है ये, इसको हम वाई मान लेते हैं और ये जो है इसको हम जेड मान लेते हैं. तो ये एक जो है आयताकार षष्ठ फलक है, कैसा है ये, आयताकार षष्ठ फलक यानी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है जिसका वॉल्यूम है वो कितना है, डीवी है, इसका वॉल्यूम कितना है, डीवी है, यहाँ लिख देते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, डीवी, जितना वॉल्यूम है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, आयताकार षष्ठ फलक है जिसकी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, लंबाई लंबाई इसकी कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप की लेंथ है इसकी dx है ना, विड्थ है इसकी, जो विड्थ है इसकी ये विड्थ है वो वाई एक्स में है, dy मान ली गई है, और इसकी जो ब्रिथ है सॉरी जो हाइट है, हाइट कितनी है इसकी, डी जेड इसकी मान ली गई है. तो ये लेंथ ब्रिथ और हाइट है ना एक्स, और इसका जो सेंटर है केंद्र है वो क्या है, ये पी है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो ये पी जो है इसका केंद्र है, तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, डी एक्स इसकी लेंथ है, डी वाई इसकी विड्थ है और डी जेड इसकी ऊंचाई है, हाइट है, और ये इसका केंद्र है, पी केंद्र है इसका. तो इसमें हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वेक्टर फील्ड है जिसका एक वेक्टर फील्ड है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, यहाँ पर ओ है नहीं लिखा गया है, तो ये इसका सेंटर ओ है और वो जो वेक्टर फील्ड है वो क्या है, ए है, जो वेक्टर फील्ड है उसको ए से बताया गया है. तो उसके कंपोनेंट्स होंगे है ना इस बिंदु से, क्योंकि ये इस ये जो शेप है आयताकार षष्ठ फलक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, इसका सेंटर ओ है ना, इसका सेंटर पी है और ये जो वेक्टर फील्ड है इसका सेंट्रल पॉइंट ओ है. तो इसका इसके जो घटक होंगे है ना, ए वेक्टर फील्ड है तो इस कंपोनेंट के जो घटक हो इसके जो घटक होंगे वो होंगे ए एक्स, एक्स दिशा में ए एक्स होंगे, वाई दिशा में ए वाई होंगे और जेड दिशा में क्या होंगे, ए जेड होंगे. तो ये किस प्रकार से बदलेगा वो हम देखेंगे. तो इसमें जो वेक्टर फील्ड होगा ए माना गया है, तो उसके घटक हैं एक्स वाई और जेड, यहाँ पर ये ए एक्स होगा, ए एक्स है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड. तो ये जो वेक्टर फील्ड है इसके तीनों तीनों डायरेक्शंस में जो प्रभाव होगा है ना, उसका रिजल्टेंट जो है आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, इसको इस प्रकार से उसको हम बता सकते हैं. अब इसमें फ्लक्स जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये
पैरेललोपाइप्ड है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, इसकी जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड में क्या लिखा है, ये है एल क्यू आर एम, एल क्यू आर एम वाली जो साइड है वो हम देखेंगे। तो जो ये कौन सी है, एक्स डायरेक्शन है, ये हमें पता है एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। तो हर एक डायरेक्शन में जो फ्लक्स है वो किस प्रकार से होगा, उसको है ना चेंज होगा, वो हम देखेंगे। तो पहले हम एक्स डायरेक्शन का देखते हैं। तो एक्स दिशा में जैसे यहाँ से जो है लाइंस जो है वो एंटर करेंगी और यहाँ से बाहर निकलेंगी, ऐसा हम मान लेते हैं। तो दोनों फेस का हम देखेंगे और ये इसका केंद्र है। तो पी पी बिंदु है, पी केंद्र है, वहाँ से ये साइड, इस साइड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी एक्स बाई टू। डी एक्स बाई टू कैसे होगी, जो ये के एल है ये इसकी पूरी लेंथ है, पूरी लंबाई है, तो ये इसका केंद्र है, पी इसका केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी जो, वो कितनी हो जाएगी, एक डी एक्स बाई टू हो जाएगी, है ना। ये पूरी लंबाई के एल की डी एक्स है, तो ये इसका सेंटर है, तो पी से एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई टू इसकी दूरी हो जाएगी, है ना, इतना दूर है इससे। और जो फील्ड है इस डायरेक्शन में, जो कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट घटक है जो, वो ए एक्स है वेक्टर फील्ड का, वो कैसे बदल रहा है एक्स दिशा की तरफ, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स जितना बदल रहा है ना। तो जो सरफेस है एल क्यू आर एम, एल क्यू आर एम में जो सदिश है ना, जो परिवर्तन होगा, जो है ना ए एक्स में जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा है ना ए एक्स कंपोनेंट में, वो किस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक्स जो कंपोनेंट है एल क्यू आर एम, है ना, जो एक्स डायरेक्शन में है फेस, तो वो होगा ए एक्स ए एक्स। तो ए एक्स तो कंपोनेंट है और उसमें कितना चेंज हो रहा है जब वो एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन देखोगे, ये जो डायरेक्शन है इधर वाली, ये है, इस साइड जाओगे तो ये प्लस एक्स, जैसे ग्राफ में होता है, इधर जाओगे तो माइनस एक्स। तो इस साइड जा रहा है तो कितना चेंज हो रहा है, प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स, है ना, प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स, और मल्टीप्लाई साथ में डी एक्स बाय टू। डी एक्स बाय टू क्या है, इसकी दूरी है, डिस्टेंस है। तो इसी प्रकार से जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड क्या होगी, इसमें क्या है, ये के टी एस एन, के टी एस एन, तो ये इसका केंद्र है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड का आयतन षट्फलक का केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नेगेटिव साइड है, तो माइनस डी एक्स बाई टू होगी, है ना, क्योंकि यहाँ से लंबाई कितनी है, ये डी एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस डी एक्स बाई टू होगी, और बदलाव भी डेल ए एक्स बाय डेल एक्स होगा। तो इसमें जब इस तरफ जो हम देखेंगे, जो ए एक्स का घटक है उसमें कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, सेंटर पी से इतना होगा, किसके लिए, के टी एस एन के लिए। तो ये प्लस एक्स के लिए है, ये माइनस एक्स के लिए है, तो ए एक्स माइनस आ जाएगा, प्लस के बदले माइनस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू। तो अब इसमें फ्लक्स कितना निकल रहा है फेस एल क्यू आर एम से, जो एल क्यू आर एम फेस है उसमें से फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो फ्लक्स निकल रहा है इसमें, जैसे हमें पता है ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू डी वाई डी जेड, है ना, डी वाई डी जेड, इतना फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो इसमें हम ले लेंगे। तो हमें पता है फ्लक्स में की जो डेफिनेशन है वो होती है ए डॉट, है ना, ए डॉट डी ए, जो आयतन अल्पांश है, छोटा सा एलिमेंट है डी ए, ए डॉट डी ए, वो भी इसमें लेना होता है। तो वही चीज़ में ली है, तो ये ए है इसमें और डॉट डी ए है ना वेक्टर फील्ड, तो वो चीज़ में ले ली गई है। तो एल क्यू आर एम यानी ये वाला जो फेस था एल क्यू आर एम, एल क्यू आर एम में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो एल क्यू आर एम से इमर्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इतना बाहर निकल रहा है, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स, जो फ्लक्स की जो डेफिनेशन परिभाषा हमने देखी थी उसके अकॉर्डिंग। उसी तरीके से दूसरी साइड है के टी एस एन, के टी एस एन में सेम वही होगा, डी वाई डी जेड ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू डी वाई डी जेड। तो टोटल फ्लक्स जो नेट फ्लक्स है अलोंग एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो फ्लक्स फ्लक्स एक्स दिशा में कितना होगा, एक्स दिशा में जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा,
जो इमर्ज हो रहा है इस दिशा में से एल क्यू आर एम माइनस के टी एस एन। एल क्यू आर एम का जो फ्लक्स है माइनस के टी एस एन, तो एल क्यू आर एम कितना है, इतना है ए एक्स प्लस डेल ए एक्स डी एक्स टी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड माइनस ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड। तो इन दोनों का जो माइनस कर दोगे वो नेट फ्लक्स निकल रहा है एक्स दिशा में, तो वो कितना निकल रहा है यहाँ पर देखिए, इसको ओपन करोगे आप, इसको ओपन करोगे तो इसमें ए एक्स, ए एक्स वो कट हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें, बचेगा डेल ए एक्स बाई डी एक्स और डी एक्स बाई टू, डी एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाता है डी एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड क्या हुआ वॉल्यूम डी वी वॉल्यूम, तो हमें फ्लक्स होगा एक्स दिशा में डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी वी डी वी हो जाएगा, ठीक है, तो डी वी है वो डी एक्स डी वाई डी जेड है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स की परिभाषा क्या है हमने देखी थी, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बंद पृष्ठ के लिए सरफेस ए डॉट डी ए है, ए डॉट तो ये तो एक्स दिशा के लिए था, ऐसे ही सेम वाई दिशा के लिए, वाई दिशा के लिए कौन सा होगा, यानी ये वाला पृष्ठ लेना पड़ेगा हमें, ये ऊपर वाला है ना, यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा है ना, सिमिलरली यहाँ से यानी कौन सा सरफेस है ये एस एन एम आर, एस एन एम आर से वाई दिशा से एंट्री करेगा और टी के एल क्यू, टी के एल क्यू से बाहर निकलेगा, इस तरीके से जेड, जेड यानी ये वाली दिशा है, तो ये आगे वाला फेस, ये वाला आगे वाला फेस और पीछे वाला, तो आगे वाले पीछे वाले फेस एंट्री करेगा और आगे वाले फेस से बाहर निकलेगा, तो आगे वाला फेस कौन सा है एन के एम एल और पीछे वाला फेस है एस टी क्यू आर, इसमें सेम आपको ऐसे ही जैसे हमने एक्स डायरेक्शन के लिए लिया था वैसे ही वाई जेड के लिए नेट फ्लक्स लेके, तो नेट फ्लक्स क्या निकला था एक्स के लिए डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी वी, वाई के लिए निकलेगा डेल ए वाई बाय डेल वाई और डी वी और जेड के लिए निकलेगा डेल ए जेड बाय डेल जेड डी वी, ऐसे निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा तीनों डायरेक्शन के लिए, ए के कंपोनेंट्स हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, तो वो हमें इस प्रकार से मिलेंगे, डी वी कॉमन है तो हमने बाहर ले लिया है उसको, तो डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल जेड, तो ये जो था ना इसमें इस प्रकार से हमें वाई और जेड के लिए भी निकलेगा, उसमें डी वी कॉमन निकलेगा, तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें जो डेल ऑपरेटर है डेल डॉट ए है ना, डाइवर्जेंस ऑफ ए को हम डेल डॉट ए इस प्रकार से भी लिखते हैं, तो डेल को हम क्या लिखते हैं, व्हाट इज़ डेल्टा, जो डेल्टा डाइवर्जेंस ऑफ ए है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डेल्टा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, आई कैप है जो एक्स डायरेक्शन का यूनिट फैक्टर है, एक एक्स दिशा है डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप वाई डायरेक्शन के लिए, डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप जेड डायरेक्शन का एकाक्ष दिशा है डेल बाई डेल जेड, और ए ए के घटक क्या है आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, तो दोनों का करोगे तो हमें क्या मिलेगा डेल डॉट ए इज इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री दोनों को इक्वेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी ए इज इक्वल टू डेल ए ऑफ डाइवर्जेंस। सो ये जो है ये इक्वेशन क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ऑफ एस ए डॉट डी ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए डी वी, ये क्या बताता है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड को बताता है।